हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली क्लियर करवा दिया है, और आज ये हमारा लास्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी रिलेटेड है बोर्ड एग्जाम से वो मैं आपको इसमें करवा दूंगा। फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपेरेशन अच्छी में अच्छी कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। इन अ गेम ऑफ द हिट और टारगेट द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश विल फेल इन हिटिंग द टारगेट इज 2/3। यानी कि रमेश एक कोई भी पर्सन है, रमेश जो हिट करता है और वो फेल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 दी है। तो सक्सेस होएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको डायरेक्टली प्रीवियस वीडियो में कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। एंड द गिविंग द 3 trial मीन्स n इज इक्वल टू, हम लोग उसको 3 trial दे रहे हैं। ऑफ देयर इवेंट इज द टारगेट सक्सेसफुली मीन्स x इज इक्वल टू 2, स्टेट मीन्स n h डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको मीन फाइंड आउट करना है n डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है पहले तो वो लिख लूंगा, बराबर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि वो 2 times में ट्रायल में सक्सेसफुल होगा। तो x इज इक्वल टू 2 रख के मुझे क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे सारी वैल्यूएशन पुटिंग कर देनी है। तो 3c2 into 3/5 का स्क्वायर, 2/5 की 3 - 2 power, ओके। तो मेरा आंसर होएगा, देखो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 की 1 पावर मीन्स 2 ही होगा और 5 की भी 1 पावर मीन्स 5 होगा। चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे ये तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 into 5 करेंगे तो 125, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब मीन भी फाइंड आउट करना था, बहुत इजी था। मैं देखो मीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन का मीन्स नो फोटोग्राफ बोला हूं मैंने आपको, मीन का मीनिंग क्या बोला है, नो फोटोग्राफ। तो n इज इक्वल टू आपको कितने दिए थे, n इज इक्वल टू 3 trial, तो 3 × 3/5, तो 9/5 मेरा आंसर आ जाएगा, 9/5 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था ना फ्रेंड्स, 2 या 3 marks में अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग 110% लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, चलो जल्दी से। अ पर्सन इज आस्क्ड टू सिलेक्टेड अ नंबर फ्रॉम द पॉसिबिलिटी इंटीग्रेट 1 to 7। अच्छा, एक नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। सिलेक्ट बाय द हिम इज ऑड दैट देन ही इज सॉरी देन ही इज एंटिटेड टू गेट द प्राइज। अच्छा, अगर उसका ऑड नंबर आता है, कौन सा नंबर आता है फ्रेंड्स, ऑड नंबर आता है तो उसका सिलेक्शन होएगा किसके लिए, प्राइज के लिए। और अगर इवन आ जाता है तो उसको कोई प्राइज मिलेगा नहीं। इफ ही आस्क्ड टू टेक 5 trial मींस n इज इक्वल टू 5, दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट एंटिटी टू द गेट अ प्राइज। तो देखो पॉसिबिलिटी इंटीग्रेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। अगर उसका ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर मीन्स 1, 3, 5, 7 मीन्स 4, ये 4 में से कोई भी एक संख्या आ जाती है तो उसको प्राइज मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 4/7, 4 आंसर में से 7 टोटल, टोटल हमारे प्राइमरी नंबर हमारे 7 है टोटल, बराबर। फेवरेबल आउटकम 7 है और हमारे आई कितने, 4 divided by 7, तो क्यों डिवाइड बाय 3/7, क्यों इज इक्वल टू 3/7, ओके। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूएशन रख देता हूँ, सबसे पहले मैं 1 रख दूंगा कि मान लो 1 आ जाता है तो मेरे को आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 5 × 4/7 और 8 × 1 = 2407। अच्छा देखो यहाँ पे सुनो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 4 की 1 power means 4, 7 की 1 power means 7। अच्छा ये 1 क्यों रखा, तो उसको अगर आप प्राइज मिलेगा इसके लिए, या तो पहले यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ले लेते हम लोग, देख लो ठीक है। द प्राइज इज ओनली 1 trial, यानी कि फर्स्ट ट्रायल में देखो ऐसा लिखा था, गेट प्राइज इन ओनली 1 trial, ये लिखा है फ्रेंड्स। 1 trial मींस फर्स्ट ट्रायल में, फर्स्ट ट्रायल मींस 1 number, तो 1 number 1620 / 16877 सॉरी, बस इस तरीके से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द मीन एंड वेरियंस इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 2 and 6/5 respectively, find the p1 and p2। अच्छा x1 दे दिया और x2 दे दिए, आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो नो फोटोग्राफ 2 दिया है, मीन्स मीन आपको नो फोटोग्राफ 2 दिया है और npq 6/5 दिया है, npq आपको 6/5 दिया है, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यूज है ना वो रख दूंगा,
एनपी की वैल्यूएशन क्या है, 2 है, तो 2q इज इक्वल टू 6/5। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इस बाजू चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6 / 5 × 2 = 3, तो 3/5 मेरा आंसर आ जाएगा। 3/5 क्यों आया, तो पी फाइंड आउट कर लो, 2/5 बहुत इजी है। तो अब एनपी में हम लोग 2/5 रख देंगे, एनपी में हम लोग 2/5 रख देंगे, तो 2/5 रखने से हमारा आंसर मिल जाएगा एन का 5। एन का कितना मिलेगा, 5। अच्छा बाइनोमियल हमको लगा के x = 1 and x = 2 लगा के हमको आंसर फाइंड आउट करना है, ये आपको होमवर्क में करना है फ्रेंड्स। 162/625 आएगा और सेकंड का आंसर आपका कुछ 216 and 625 आएगा। ये आपको चेकआउट करना है क्योंकि मैंने बहुत सारे सम्स में बता दिया है, ये आपको अब चेक करना है और आपका आंसर आता है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब भी कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो की लिंक शेयर कर देना, ठीक है। चलो लास्ट सम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, 10% एप्पल आर रोट इन बॉक्स, एप्पल फाइंड द ओके रोटेन इन द बॉक्स, यानी कि 10% ऐसे जो एप्पल है जो कि खराब है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हाफ ऑफ The sixth apple selected from the box is the respectively will be rotted and find the variance of their number and rotted apple. अच्छा देखो पहले वैल्यूएशन समझते हैं। जो 10% apple है, 10% means 10/100 means 0.1 ये आपके खराब है, तो पॉसिबिलिटी क्या है अच्छे होने की 0.9। टोटल आपके पास n is equal to 6 है, बट अगर खराब हो हाफ लिखा था, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो हाफ, तो 6 का हाफ करो 3, 6 का आप करेंगे 3। देखो मैंने सारी वैल्यूएशन लिख दी, ठीक है। अब आपको वैल्यूएशन पुट आउट करनी है, आपको जो रकम दी है ना फ्रेंड्स उसको समझना है क्या कह रहे हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगर मैं प्रोबेबिलिटी 0.1 पॉसिबिलिटी 1 कर लेता हूँ तो नेगेटिविटी 0.9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आंसर लिखना है, ठीक है, तो ये आंसर कुछ आएगा P3 = 0.0146 आ जाएगा। बस ये चेकआउट करना है, देखो यहाँ पे P आपको 0.1 लेना है और Q 0.9, मेरी मिस्टेक हुई, देखो फिर से मैं बता देता हूँ, 10% एप्पल आर रोटेन, ओके रोटेन है तो रोटेन एप्पल की जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि P हमको पहले से ही मान लेना है 10/100 मीन्स 0.1 और Q इज इक्वल टू 0.9 हो जाएगा। और हमको फाइंड आउट भी क्या करना है, रोटेन एप्पल मीन्स खराब एप्पल, ठीक है। चलो अब वेरियंस ऑफ रोटेन एप्पल, तो एनपी क्यों होता है वेरियंस, 6 × 0.1 × 0.9 तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.54 मेरा आंसर आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी इज 0.0146 एंड वेरिएंस इज 0.54। बस इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, आगे के सम्स भी आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करके गिन सकते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सके, और अगर कोई भी क्वेरी या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।